हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसका महत्वपूर्ण चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 के एग्जाम में पूछने की चांसेस है। तो इस चैप्टर से आपको केवल इन्हीं चार क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं जितना इंपॉर्टेंट है केवल वही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भैया एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। तो इसलिए आपको इनको चार क्वेश्चन को ही पढ़ के जाना है। इससे पहले मैं बताता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कि किस प्रकार वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है, परंतु यदि आपको नहीं पता तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए तो नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद 360 पी पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, आज अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि विस्थापन धारा क्या होता है, इसको आपको बताना है, इसका सूत्र लिखना है। इसका मतलब केवल यही नहीं कि विस्थापन धारा का परिभाषा दीजिएगा और इसका सूत्र लिखिएगा, इसका मतलब कि इसका परिभाषा दीजिएगा, अर्थ भी आपको पता हो तो वो भी बता दीजिएगा। उसके बाद इसका सूत्र लिखिएगा, इसका मात्रक क्या होता है, हो सके तो इसकी कौन सी राशि होती है, इसको आपको डिटेल में आप इसको बताइएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आते हैं दूसरे पर। दूसरा है ये कि एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम क्या है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम ये कह रहा है। एक और नियम होता है एम्पियर का परिपथीय नियम, वो हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और दूसरा उसी पर ये नियम आधारित है, एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम, मतलब जो एम्पियर का परिपथीय नियम है उसी पर मैक्सवेल ने अपना नियम प्रस्तुत किया, उसी हम एम्पियर परिपथीय नियम के नाम से जानते हैं। और उसमें क्या बताया वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तब। आते हैं तीसरे पर। तीसरा है भैया कि वैद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं। अब ये वैद्युत चुंबकीय तरंग इसका जो क्या है, इस चैप्टर का नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंग, और इसी को पूछा गया है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग आखिर कहते किसे हैं, क्या होता है वैद्युत चुंबकीय तरंग, तो ये हमने पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, अभी हम बताएंगे। अगला आते हैं चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, मतलब मैक्सवेल ने जो वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया उसको आपको बताना है, उसकी व्याख्या करना है। तो आशा करते हैं कि ये चार क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बता देते हैं कि इन सभी क्वेश्चन को आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए क्वालिटी में जितना हो सके उतना प्रोवाइड कराया जा रहा है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा लो क्वालिटी में आपको वीडियो चल रही होगी शुरुआत में, क्योंकि 144p ऐसे चलने लगता है वीडियो, ठीक है, तो ऐसा कुछ सेटिंग हो गया है यूट्यूब की तरफ से कि जिनका छोटा चैनल है उन पर ऐसे थोड़ा सा हो गया है, तो आप समझ सकते हैं। तो इस पर तो हमारा वो नहीं है, पर हाँ, अच्छे से अच्छे क्वालिटी में आपको मिले ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए कुछ सपोर्ट कर दीजिएगा। दूसरी बात यह आता है कि आप सोच रहे होंगे कि कैसे इसको पढ़ सकते हैं, तो आपको तो हर वीडियो में बताया जाता है और लगभग बहुत दिन से एग्जाम चल रहा है, एग्जाम की तैयारी आपकी कराई जा रही है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो उसमें बताया जाता है। सबसे पहला तो आपको यहां पे कोने में नंबर दिया जा रहा होगा, उस नंबर पे आप मैसेज करके आप मांग सकते हैं कि क्लास 10th या क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, आप मैसेज कर देंगे तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक मिल जाएगा, वहां से इस चैप्टर का भी जो ये क्वेश्चन है उसको भी आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा सबसे नीचे, ठीक है, यदि आप आज काल में मांगते हैं तो। अदरवाइज यदि आपको ऐसे मान लेते हैं कि ये वाला एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम पता है, ऊपर वाला नहीं पता है कि विस्थापन धारा किसे कहते हैं, ठीक है, या वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो YouTube पर केवल नाम लिखिए विस्थापन धारा और ब्रदर सर, आपको मिल जाएगा। जैसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इस प्रकार आप किसी भी टॉपिक को नाम लिखकर अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।